नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ इजी तरीके से बहुत ही टेस्टी एक चिकन करी की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा, खाने में आपको टेस्टी लगेगा। तो चलिए शुरू करते रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 750 ग्राम चिकन। चिकन आप अपने जरूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जो बाकी मसाला लगेगा मैं बनाते टाइम बता दूंगी। सबसे पहले हम कढ़ाई में ले लेंगे आधा कप तेल। तेल अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा लगे तो आप कम कर लीजिएगा। तेल को हम पहले गरम कर लेंगे। खड़े मसाले में हम डालेंगे एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, तीन लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी के, और डालेंगे हम एक चम्मच साबुत जीरा। सभी चीज़ों को हम पहले फ्राई कर लेंगे। डाल देंगे दो सूखी लाल मिर्च और डालेंगे हम दो मीडियम साइज के प्याज को पतले स्लाइस में काट के। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम में प्याज के कलर चेंज हो जाने तक हम फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर जैसे ही हल्का चेंज हो जाए हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट दो चम्मच। अदरक लहसुन डालने के बाद हम एक मिनट और अच्छे से भून लेंगे। साथ ही हम डालेंगे तीन हरी मिर्च बीच में से चीरा लगा के। अदरक लहसुन जैसे हमारा भून जाए हम डाल देंगे यहाँ पे चिकन। गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे और 3 से 4 मिनट पहले हम चिकन को बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 3 से 4 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम में चिकन को भून लिया है। अब हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे ही रखेंगे। एक बार अच्छे से और मिक्स कर लिया है। डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, साथ ही हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, दो चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे आधा चम्मच कुटी हुई ब्लैक पेपर। एक बड़े साइज के टमाटर को एकदम फाइन चॉप करके डाल देंगे। अच्छे से हम मसाले चिकन में मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके ढक देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तब तक टमाटर पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा और मसाले भी पूरी तरीके से हमारा भून जाएगा। तो अच्छे से हम पहले मिलाएंगे। तो मसाले टमाटर डालने के बाद अच्छे से मैंने मिला दिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे और ढक देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, लेकिन बीच में खोल के आप 2 से 3 बार स्पैचुला से चला भी लीजिएगा। 10 से 12 मिनट हो गए, चिकन बहुत ही अच्छे से हमारा भून चुका है, टमाटर भी पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने बीच में खोल के 2 से 3 बार स्पैचुला से चला भी लिया था। तो पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे और डालेंगे हम यहाँ पे 3 चम्मच दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। एक बार अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे ही रख के ढक देंगे हम 15 मिनट के लिए। तब तक चिकन हमारा पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा और बीच बीच में खोल के हम 2 से 3 बार चूल्हा से चलाते भी जाएंगे। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है। पैन को कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो पे रखेंगे। 15 मिनट हो गए और चिकन पूरी तरीके से हमारा सॉफ्ट हो चुका है। लास्ट में हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। बस मिक्स करके हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। धनिया पत्ते डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस का फ्लेम हम बंद करके चिकन करी को ढक के रखेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद हम चिकन करी को सर्व कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप देख के समझ सकते हो ये चिकन खाने में कितना टेस्टी होगा। जितना आपको देखने में टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए एक बार खाएंगे ना आप इस चिकन करी के दीवाने हो जाओगे। तो चलिए अब हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, सिर्फ एक बार आप मेरे कहने पे इस रेसिपी को जरूर बना के देखिएगा और खाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।